नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस पाइनियर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 28 है और टीजीटी पीजीटी आर्ट को निरूपित है। और टीजीटी पीजीटी आर्ट में अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो सभी टेस्ट पेपर देने होंगे, सभी मॉडल पेपर देने होंगे, सभी प्रैक्टिस पेपर देने होंगे, सभी प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको सॉल्व करने होंगे। क्यों? क्योंकि अगर टीजीटी में आपको मास्टर बनना है, वो भी आर्ट वाले सब्जेक्ट में, तो आपको ये सारे काम करने होंगे। यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे और यहीं से आपके भाग्य का निर्धारण होगा। भाग्य का निर्धारण यही बेटा है कि अगर आप सरकारी टीचर बन जाते हैं तो बहुत सारी सुविधाएँ आपको मिल जाएंगी और एक प्रमोशन में आप गजिस्टर्ड ऑफिसर बन सकते हैं। अन्यथा तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि 148 जो भर्ती आई है, इस 148 में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अपने यहाँ से हो, इसीलिए हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं। नई शिक्षक भर्ती आ चुकी है, उसमें वैकेंसियों की संख्या बहुत कम है। फिलहाल बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, सर क्या वैकेंसी बढ़ेगी? तो उम्मीद है बेटा कि 10 से 20 पोस्टें बढ़ सकती हैं। हो सकता जो है योगी बाबा कुछ जो है इस पर रहम कर जाएँ और लास्ट तक जो अध्याचन मिल जाए उससे काम हो जाए। तो अगर कुछ वैकेंसियाँ बढ़ती हैं तो कुछ और जो बेरोज़गार भाई हैं वो रोज़गार पा जाएंगे। इसीलिए मैंने सभी लोगों से कहा है, जो लोग कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनसे हमने विनम्र निवेदन किया है कि रोज़गार मत छोड़िएगा, पढ़ लीजिएगा, 2 घंटे और रात में जग के आप पढ़ लीजिएगा, अपने शरीर के साथ कष्ट कर लीजिएगा, लेकिन रोज़गार मत छोड़िएगा। बेटा आप देख रहे हैं इस टाइम से क्या त्रासदी चल रही है, बारिश भी नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए किस तरह से किसान बेहाल हैं, किस तरह से जो है पानी की एक बूंद नहीं आई, जिससे किसान के खेत भी जाने वाले हैं बिल्कुल। धान की रुपाई हुई थी वो बिल्कुल जा चुकी है। गन्ने खेती जो लोग करते हैं उनका भी गन्ना आप देख रहे होंगे बिल्कुल जाने वाला है। बहुत बुरे कंडीशन में है, बहुत बुरे कंडीशन में। इसीलिए अगर रोज़गार हो जाता है, वो भी सरकारी मास्टर कोई बनता है, तो उसको ये फिक्स हो जाता है, एक गारंटी ये मिल जाती है कि अब आपको 60 साल कोई नहीं निकालेगा, आराम से आप पढ़ाई करेंगे और वहाँ पढ़ाएंगे, अध्ययन अध्यापन का कार्य करता रहता है। और अगर कोई कम उम्र में मास्टर बनता है तो उसके लिए बहुत सारे IAS देने का मौका होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस PCS देने का मौका होता है, वो आराम से पढ़ सकता है और दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वहाँ बस 10 से 5 कॉलेज करना है, उसके बाद आराम से रूम, 10 से 3 कॉलेज चलता है, 10 से 5 मैक्सिमम हमने बोल दिया है, तो बहुत सारे मौके रहते हैं। तो इसीलिए मैं अभी भी कहता हूँ बेटा सचेत हो जाइए, वैकेंसी है, 148 पदों पर है, मेहनत करिए, निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे। आप सेलेक्ट होने के लिए ही बने हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं। आइए देखते हैं हम लोग टेस्ट पेपर 28 का पहला क्वेश्चन। कहा गया नूरजहाँ मानबाई मानवती किसकी पत्नियां थीं? नूरजहाँ मानबाई मानवती किसकी पत्नियां थीं? अकबर की, जहांगीर की, बाबर की, शाहजहाँ की? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो नूरजहाँ मानबाई मानवती किसकी पत्नी मानी जाती हैं बेटा? तो ये जहांगीर की पत्नी मानी जाती हैं। जहांगीर इज़ द राइट आंसर बन रहा है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, जहांगीर का उपनाम क्या था बेटा? तो सलीम था। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, सलीम किसका उपनाम है? जहांगीर का। खुर्रम किसका उपनाम है? तो शाहजहाँ का है। ठीक है, शाहजहाँ का उपनाम खुर्रम था। जहांगीर का जन्म कब होता है बेटा? तो 1569 ईस्वी में मूल रूप से जहांगीर का जन्म होता है। इनकी 3 पत्नियां हैं, नूरजहाँ, मानबाई और मानवती। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया एतमादउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? एतमादउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, कानपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में? तो एतमादउद्दौला का मकबरा बेटा कहाँ पाया जाता है? अकबरा नहीं, उत्तर प्रदेश का बेल्ट होता है और उत्तर प्रदेश में नदी बहती है एक यमुना, यमुना के किनारे स्थित है आगरा। आगरा में ही एतमादउद्दौला का मकबरा पाया जाता है। राइट आंसर एक के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा गया शाही पुस्तकालय आगरा, दिल्ली और लाहौर में किसने खुलवाया था? शाही पुस्तकालय किसने खुलवाया आगरा, दिल्ली, लाहौर में? ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो अनपढ़ राजा अकबर ने बहुत सारे काम किए हैं, उसमें पुस्तकालयों के निर्माण करवाए, चाहे आगरा हो, दिल्ली हो या फिर लाहौर हो, सभी जगह पुस्तकालय का निर्माण करवाया, उसे नाम दिया शाही पुस्तकालय। बहुत अच्छा काम किया और हालांकि वो अनपढ़ था लेकिन बहुत सारे काम अच्छे अच्छे भी उसने किए हैं। राइट आंसर एक के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में कहा गया अकबर के समय पोथियों की संख्या क्या थी? बेटा पोथियाँ कितनी थीं? 2400 थीं, 24,000 थीं,
120,000 थी या फिर 240 थी। तो अकबर के समय जो पोथियाँ थीं, कितनी पोथियाँ पाई जाती थी, 24,000 पाई जाती थी बेटा, 24,000। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दान की थी। क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, वनडे एंट्रेंस में भी बहुत बार पूछा गया है और मूल रूप से टीजीटी कला में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किसने दान की थी, अकबर ने और ये बाबर कर लीजिएगा बेटा, बाबर दोनों जगह अकबर लिखा हुआ है, अकबर बाबर शाहजहां सलीम। राइट आंसर क्या होगा, तो स्वर्ण मंदिर के लिए जो जमीन दान होने की बात होती है वो भी अकबर के द्वारा ही किया जाता है। राइट आंसर ए के साथ बन जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर, यानी अकबर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो मालवा में मूल रूप से अकबर के द्वारा जमीन दान की जाती है और आप जानते होंगे स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर के निर्माण भी होते हैं। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में कहा गया है, अहमदनगर के निजाम शाह राजवंश का संस्थापक कौन था। अहमदनगर का निजाम शाह वंश किसने एस्टेब्लिश किया, कुली कुतुब शाह ने, अहमद निजाम शाह फर्स्ट ने, हामिश ने या फिर आसिफ शाह ने। तो अहमदनगर का निजाम शाह राजवंश किसने एस्टेब्लिश किया है बेटा, अहमद निजाम शाह फर्स्ट, अहमद निजाम शाह फर्स्ट। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, कला का द्रोही शासक कौन था, कला का द्रोही शासक कौन है, शाहजहां, अकबर है, जहांगीर है या फिर मूल रूप से बाबर है। बाबर कर लीजिए इसे, शाहजहां, बाबर, अकबर, औरंगजेब। बेटा कला का द्रोही शासक जो माना जाता है वो औरंगजेब माना जाता है। औरंगजेब जब गद्दी पे बैठता है तो यहाँ से चितेरे भागना स्टार्ट कर देते हैं, कलाकार भागना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि कला जो है इस्लाम के विरुद्ध है। तो राइट आंसर डी बन रहा है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते, पूछा गया, बसोहली शैली की खोज 1929 ईस्वी में किसने किया था। तो बसोहली शैली को किसने खोजा है, कब, 1929 ईस्वी में, अजीत घोष ने, कृपाल पाल ने, कर्निंगम ने या फिर राजा भोगपाल ने। तो बसोहली शैली आप जानते हैं लोक कला पर आधारित शैली है और इसकी खोज जो है अजीत घोष के द्वारा 1929 ईस्वी में की जाती है। तो राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में पूछ लिया गया, मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है एम एस रंधावा, जे सी फ्रेंच, ओ सी गांगुली या फिर डब्ल्यू जी आर्चर। तो मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग को लिखने का काम जो रहा है बेटा वो ओ सी गांगुली का रहा है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, ओ सी गांगुली इज़ द राइट आंसर, यानी बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में कहा गया, दौलत तथा मोहम्मदी कहाँ के चित्रकार थे। दौलत और मोहम्मदी कहाँ के चित्रकार हैं, बसोहली के, चंबा के, कुल्लू के या फिर मांडी के। तो दौलत और मोहम्मदी का जो संबंध रहा है बेटा वो मंडी के साथ रहा है, मंडी शैली राइट आंसर है, यानी डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया, जम्बू के दरबार में रहकर चित्रकारी किसने किया है। नैनसुख ने, केशव ने, बसावन ने या फिर दसवंत ने। तो जम्बू के दरबार में रह करके चित्रकारी करने का काम जो रहा है बेटा आपने जाना होगा, नैनसुख नाम है, नैनसुख जम्बू के दरबार में रह करके भी चित्रकारी किए हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा, आज एक फ़ोन आया, श्यामी जातक कहाँ स्थित है। तो हमने बताया गुफा संख्या 17 में स्थित है। फिर उन्होंने कहा सीवी जातक कहाँ स्थित है, तो बड़ा गुफा संख्या 17 में स्थित है। फिर उन्होंने कहा एक जातक और छंदक जातक कहाँ स्थित है, तो हमने कहा गुफा संख्या 17 में ही छंदक जातक भी स्थित है। तो क्वेश्चंस बहुत घुमा घुमा के कई बार पूछने लगता है बेटा, और कई जगह जो है घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं लोग और अक्सर जो है गलत हो जाता है। फिलहाल आपको जो है गलत नहीं करना है, थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करना है और जो है सभी डाउट्स क्लियर करते हुए चलना है। अगर समझ के काम नहीं करेंगे बेटा तो कंपटीशन तो टफ है ही, आप जानते ही हैं। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। मंदोदरी, रावण और जटायु किसकी प्रमुख कृतियां हैं। मंदोदरी, रावण और जटायु को किसने बनाया है, के आचारा ने, राजा रवि वर्मा ने, के हब्बर ने या फिर डी पी राय चौधरी ने। तो मंदोदरी, रावण और जटायु को बनाने का जो काम रहा है बेटा वो राजा रवि वर्मा का रहा है, राजा रवि वर्मा। राइट आंसर सी के साथ बन रहे हैं, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन थी। भारत की पहली महिला चित्रकारी कौन है, सुनैना देवी, अमृता सहगल, यामिनी राय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पहली महिला चित्रकार सुनैना देवी मानी जाती हैं, ए इज़ द राइट आंसर, सुनैना देवी। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में पूछा गया,
गांधी जी की दांडी यात्रा किसके कहती है? गांधी जी की दांडी यात्रा को किसने बनाया? कि क्या हब्बन ने, अमृता सहगल ने, क्षितिज नाथ ने या फिर नंदलाल बसु ने? तो गांधी जी की दांडी यात्रा को जो बनाने का श्रेय है वो किसके पास है बेटा? तो आप जानते हैं मास्टर मोसाई के पास है, यानी नंदलाल बोस के पास है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन 1919 ईस्वी में कलकत्ता से किसने आरंभ किया था? तो रूपम पत्रिका को किसने स्टार्ट करवाया है? अद्वेंद्र कुमार गांगुली, सुहासिनी देवी, असित कुमार हल्दर या फिर अवनीन्द्र नाथ टैगोर? तो रूपम नामक पत्रिका कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? कलकत्ता से स्टार्ट होती है। किसने स्टार्ट करवाया है? तो उदेंद्र कुमार गांगुली यानी ओपी गांगुली ने मूल रूप से करवाया है। ओके गांगुली, ठीक है। कब करवाया? 1919 में करवाया। कहाँ से करवाया? कलकत्ता से प्रकाशन करवाया। तो राइट आंसर ए के साथ जा रहा है, अद्वेंद्र कुमार गांगुली। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में पूछ लिया गया नौ बंगाल शैली किसकी देन है? नौ बंगाल शैली किसकी देन है? क्षितिज नाथ की, नंदलाल बोस की, असित कुमार हल्दर की या फिर राजा रवि वर्मा की? नौ बंगाल शैली किसकी देन मानी जाती है बेटा? नौ बंगाल शैली जो है नंदलाल बोस की देन मानी जाती है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में पूछा गया है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जिसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 ईस्वी को हुई थी, इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? एम एफ हुसैन बनाए गए, डी पी राय चौधरी बनाए गए, असित कुमार हल्दर बनाए गए या फिर मोहम्मद अब्दुल रहमान बनाए गए? कौन बनाया गया बेटा? तो पहले अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो प्रसिद्ध मूर्तिकार डी पी राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी बनाए जाते हैं। 5 अगस्त 1954 को एस्टेब्लिश होता है, उसके पहले अध्यक्ष डी पी राय चौधरी बनते हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछ लिया गया डॉक्टर ऑफ द सॉयल किसकी रचना है? डॉक्टर ऑफ द सॉयल किसकी रचना है बेटा? सुधीर रंजन खास्तगीर की, मुकुल चंडे की, शारदा चरण उकील की या फिर डी पी राय चौधरी की? तो डॉक्टर ऑफ द सॉयल किसकी रचना मानी जाती है? डॉक्टर ऑफ द सॉयल जो रचना है बेटा वो सुधीर रंजन खास्तगीर की है, सुधीर रंजन खास्तगीर। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? सैलोज मुखर्जी की जो कला है वो किस प्रकार की है? प्रभाववादी है, घनवादी है, रंगवादी है या फिर आकारवादी है? सैलोज मुखर्जी की जो कला है बेटा वो मूल रूप से रंगवादी है, जिसे हम लोग फाववादी के नाम से भी जानते हैं। तो रंगवादी कला है। राइट आंसर सही के साथ बन रहा है, सैलोज मुखर्जी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है, प्रभाववादी नहीं, रंगवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है राजहंस, मशीन मैन किसकी प्रमुख कलाकृतियां हैं? तो राजहंस और मशीन मैन को किसने बनाया है? एसएच रजा ने, एफएन सूजा ने, डीपी राय चौधरी ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो बेटा राजहंस या फिर मशीन मैन को जो बनाने का काम रहा है वो किसका रहा है? तो ये रविंद्र बाबू का रहा है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर का रहा है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। कितने क्वेश्चंस आपके टेस्ट पेपर 28 में सही गए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।